नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही रैलियों का सिलसिला तेज हो गया है। एक दिन में एक ही विधानसभा में दो दो दिग्गज नेताओं की रैली हो रही है। रविवार को लखीमपुर खीरी अखाड़ा बना नजर आया और मोहम्मदी विधानसभा में दो रैलियां हुई, जिसमें कब्जा जंग बहादुरगंज के निवादा मैदान में भाजपा छोड़कर आए स्वामी प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित किया, तो मोहम्मदी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, भाजपा सरकार झूठों की सरकार है और भाजपा में गरीब, दलित, व्यापारी, महिलाएं, बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी दाऊद अहमद को भारी मतों से जिताने की अपील की। आगे उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ सुहेलदेव दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपाल कश्यप, जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह चौहान भी साथ आए। राजपाल कश्यप ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार गुंडों की, माफियाओं की सरकार है। साथ ही आगे उन्होंने कहा कि यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। इस सरकार में कश्यप बिरादरी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। साथ ही जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह चौहान ने कहा, इस सरकार में किसान आवारा पशुओं से परेशान। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हटाना और समाजवादी पार्टी को लाना सभा में, अपना दल सुहेलदेव दल और जनवादी पार्टी के झंडे भी दिखे। साथ ही सैकड़ों की संख्या में भाजपा और बसपा छोड़कर लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। साथियों, आज इनकी गलतियों से व्यापारी भी तबाह है, आज भुखमरी की हालत में है और का ये तो देश बेचने की तैयारी कर चुके हैं। अभी तो रेलवे बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, विश्वविद्यालय बेच रहे हैं, कोयले की खान बेच रहे हैं। यह देश को बेचने की ताकत में है, इसलिए देश पर कोई खतरा है, उत्तर प्रदेश को बर्बाद होने से बचाना है तो योगी सरकार को भगाना है। समाजवादी पार्टी का चुनाव तुमने साइकिल